हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रोडक्ट एक्टिविटी में। आज हम बात करेंगे कि हमें कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए ऑनलाइन मार्केट से, और जो प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है वो सत्य होती है या नहीं होती है, और आज हम एक प्रोडक्ट का टेस्ट भी करेंगे। चलो फिर हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारे चैनल का नाम है प्रोडक्ट एक्टिविटी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलो फिर हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रोडक्ट है डीसी फैन मोटर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ब्रशलेस डीसी फैन मोटर है। मीन्स ये 3D प्रिंटर में यूज़ की जाती है हीट को बाहर निकालने के लिए। और आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट की है, बैटरी से और 12 वोल्ट अडेप्टर से चलाई जा सकती है, जिसकी पावर कम से कम 2.94 एम्पेयर, मीन्स 3 एम्पेयर तो होनी ही चाहिए, और 3 एम्पेयर से 4 एम्पेयर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि इससे चलाने में कोई आपको परेशानी ना हो। मैंने इसे अमेज़ोन से ख़रीदा था और ये गिरकर टूट गई है मुझसे, तो मैंने इस पर एल्फी लगा रखी है। आप देख सकते हैं इसमें 4 वायर निकले होते हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू एंड रेड। चलो अब हम इसके विषय के बारे में बात करते हैं कि ये आप अंदर देख सकते हैं इसकी पंखड़ी किस प्रकार की है। कट कट मीन्स एसी टाइप पंखड़ी है जो बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं, और इससे आप हीट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मोटर की पावर पर। जो इस मोटर की पावर दिखाई गई है बहुत अच्छी है, मैंने इसे पहले भी यूज़ कर देख चुका हूँ, इसीलिए मुझे जब ये अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि यार लोगों को भी बताया जाए और ये जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। इस मोटर के राउंड 4500 राउंड पर मिनट, मीन्स 4500 राउंड पर मिनट। चलो मैं आपको चेक कर कर दिखाता हूँ। अब हमें एक ज़रूरत होगी 12 वोल्ट बैटरी की, जो मेरे पास ऑलरेडी है, या आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं पुरानी बाइक बैटरी वाले या बैटरी की किसी भी शॉप से। और आप इस बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी भी मार्केट से ये चार्जर परचेस कर सकते हैं। या आप देख सकते हो ये चार्जर लैपटॉप चार्जर है, और इसकी पावर देख सकते हो आप, 19 वोल्ट और 3.4 एम्पेयर, मीन्स एम्पेयर तो ठीक है पर 12 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप इसे से मोटर नहीं चला सकते, मीन्स ये डीसी फैन नहीं चला सकते। आपको इसके लिए 12 वोल्ट की बैटरी की ही ज़रूरत होगी, आप ज़्यादा वोल्ट पर भी किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इस चार्जर की पिन पर ये 2 वायर लगा लिए हैं, रेड वायर अंदर ले लिया है जो प्लस का है, ब्लैक वायर ऊपर लेकर धागा लपेट दिया है ताकि मैं इस बैटरी को इसके ज़रिए चार्ज कर सकूं। चलो हम बैटरी का टेस्ट करते हैं। तो हम इसके तारों को जोड़ते हैं, जो ब्लैक वायर है वो हम माइनस पर लगाएंगे और जो रेड वाला वायर है वो हम प्लस पर लगाएंगे। आप ये प्लस माइनस यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ ये स्टिकर हटाकर। ये रहा माइनस और मैं इस स्टिकर को हटा देता हूँ। और ये रहा आपका प्लस। चलो हम बैटरी के तारों को जोड़ते हैं और इस बैटरी को, इस डीसी फैन को चेक करते हैं आपके लिए। और ये लीजिए, हमने इसका रेड वायर तो जोड़ लिया है, अब हम इस माइनस को टच कर कर देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे अभी इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, मैंने हल्का सा टच किया कितनी तेज़ घूमने लगी थी। फिर मैं आपके सामने अगेन टच करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ घूम रहा है, और मैं ऐसा आगे की तरफ कर कर दिखाता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।